ताजमहल का टिकट या तो पास। लेकिन एक अपनी बीवी के लिए 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा देना कहाँ चीज है संदीप है। पर इस तकलीफ में भी मजा है, दोस्त लोग के साथ एडवेंच करना, ट्रिप में घूमना, थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना तो अच्छा लगता है। अब हम लोग निकल पड़े हैं आगरा ताजमहल की ओर, ताजमहल की ओर निकल पड़े हैं। अभी करीब 75 से 80 किलोमीटर है। अब देखिए हम लोग ताजमहल पहुंच गए हैं अभी, और गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग ताजमहल की ओर निकलेंगे। और देखिए सारे फ्रेंड लोग तैयार हो गए हैं अब वहां जाने के लिए, और फिर अभी चलते हैं वहां, देखते हैं ताजमहल। हर जगह काफ़ी गाइड लोग तंग करते हैं, और जैसे देखिए वो गाइड उन पे लगे हुए, देखिए घोड़ा गाड़ी। और यहाँ से शुरुआत होता है वहाँ पार्किंग के बाद, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, यहाँ से आगे गाड़ी जाने का अलाव नहीं है। और यहाँ से सारे लोग पैदल जाते हैं, कुछ टोटो जाते हैं और घोड़े से जाते हैं। और यहाँ से कितना दूर है अभी देखते हैं। तो पार्किंग के बाद आप टोटो बैठ के जा सकते हैं या घोड़े गाड़ी में जा सकते हैं। पर हम लोग सोचें कि थोड़ा पैदल चलते हैं और यहाँ का व्यू देखते जाएंगे। तो देखिए इस तरह का यहाँ से आप, और शायद यहाँ से दिख रहा है आपको, कैमरे में दिख रहा होगा या शायद नहीं, आप देख सकते हैं कि हम लोग सारे दोस्त ताजमहल की ओर बढ़े हैं। और इसी तरह हम लोग सारे प्लेस का आनंद लेते हुए लद्दाख की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग सोचे कि कोई जगह को नहीं छोड़ना है, जिस रूट से गुजरेंगे देखने योग्य जितनी सारी जगह या जितने सारे प्लेस होंगे उसको विजिट करते जाएंगे, देखते जाएंगे, घूमते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और शाहजहाँ ने बेगम मुमताज़ की यादगार में ताजमहल बना दिया, और हम लोग दोस्त के प्यार में रिकॉर्ड बना देंगे। देखिए अभी लद्दाख तक पहुंचना है और बहुत सारा जगह घूमते जाएंगे ना। लेकिन एक अपनी बीवी के लिए 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा देना कहाँ चीज है। देखिए ये राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट कैसे कैसी बातें करने लगा। और बोलिए क्या किया, सही तो बोले। ताजमहल का और शुरुआत व्यू देखिए कुछ इस तरह का है बनावट, और धीरे धीरे करीब जाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि क्या है, कैसे है बनाया गया, क्या है। अभी ये टिकट काउंटर है, शौचालय यही मिलेगा टिकट क्या। ये टिकट काउंटर है और टिकट लेके फिर उधर हम लोग निकलेंगे। आप देख सकते हैं ताजमहल का टिकट या तो पास होने के लिए ये पास टिकट है। वहाँ के बाद फिर इधर देखिए प्रवेश द्वार यहाँ है, और यहाँ एंट्री गेट है। यहाँ से सारे लोग जाते हैं, यहाँ चेकिंग होता है, फोन ले जाना। हाँ बोल, क्या क्या ले जाने दिया जाता है देखते हैं। यहाँ चेकिंग होता है, इंट्री के बाद वहाँ पे माइक और मेरे दोस्त का गिम्बल का जो ये था वहाँ जमा ले लिए, और इस वजह से हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया। माइक हम लोग का वो जमा ले लिए, माइक ले जाने नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे फोटो लगा हुआ है यहाँ पे।
देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम लोग इन कर चुके हैं, यहाँ ये फ्रंट गेट ये है और यहाँ के बाद देखिए इस तरह का एंट्री करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह का व्यू है। और हो सके गाइज तो थोड़ा सा माइक ना होने के वजह से आवाज़ कम आ रहा होगा, बता दो आप व्यू जमा ले लिया गया है क्योंकि माइक वहाँ हमारा जमा ले लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो वाली वाइट वाली ताजमहल है और यहाँ से उसका एंट्री है, दूर से कुछ इस तरह का दिखता है वो। बाकी देखिए इधर यहाँ ग्राउंड देख सकते हैं आप और ये, और यहाँ धर्मेंद्र सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं अभी कुछ कह रहे थे नहीं, सर बोलना है कि हाँ आप लोग देखने से ज़्यादा है कि आप लोग व्यूअर के लिए बना रहे हैं। सोचिए मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है कि जितना तुम ब्लॉग कर रहे हो तुम अपने आँख से ठीक से देख नहीं रहे हो, अपने व्यूअर्स के लिए इतना कुछ कर रहे हो और व्यूअर्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम हमारा बेकार है। तो देखिए ये सेकेंड एंट्री बोल सकते हैं और सेकेंड एंट्री का व्यू देख लो आप, कुछ इस तरह का है और काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी खूबसूरत, अच्छे, कितना अच्छा लग रहा ना आप देख लो। यहाँ से फिर आप देख सकते हो एक गेट वहाँ भी है और वो गेट कहाँ ले जाती है इसका पता नहीं है जाने के बाद। और आप ये देख लो एक ये है यहाँ, वो एंट्री तो उधर से ही, उधर से भी एंट्री होता है। अच्छा तो गाइस ऐसा है ना कि उधर से भी एंट्री होता है, वो वाले से भी एंट्री होता है एक, और एक आपको ये वाली आप देख सकते हैं दो एंट्री है। भीड़ हमको लगता है भीड़ ज़्यादा हो जाने के वजह से ये दो द्वार रखे हुए हैं, कुछ लोग इधर से और कुछ लोग उधर से, जिनका रास्ता जिधर हो, जिनको जिधर से आने में दूरी कम पड़ रहा हो तो वो जिधर से आ रहे हैं। और आप देख लो तो ये देखिए अब यहाँ एंट्री करने वाले हम लोग, तीन दोस्त यहाँ अभी जा रहे हैं हम लोग। और देखिए यहाँ सामने से कुछ इस तरह का दिखता है, ये एंट्री गेट बोल सकते हैं, ये एंट्री गेट है और इसके अंदर वो हमारी ताजमहल है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ कुछ इस तरह का है और यहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा है, गर्मी का एहसास नहीं है इस जगह पे। अब देख लो और आपको अब ये फाइनली अब देख लो, आपको दिख गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह का कुछ व्यू है, काफ़ी खूबसूरत।
इधर गार्डन और ये आपका फ्रंट गेट और ये आपका इधर गार्डन। अभी हम जाएंगे तो वहाँ से बहुत सारा फोटो शूट करवाए, रील्स बनाए और फिर आप देख सकते हैं यहाँ से फिर और अंदर की ओर जा रहे हैं और यहाँ से जाएंगे वहाँ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड और ये ताजमहल कितना खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा और ये देख लो आप बाहर से कुछ ऐसा लगता है और यहाँ इतना शौकीन फोटो और वीडियोज़ का, काफ़ी लोग आते हैं और आए हैं और आप देख रहे हैं कि और आप देख रहे थे कितना सारा भीड़ था और आप आपको अब धीरे धीरे ताजमहल के करीब लेते जा रहे हैं और धीरे धीरे और खूबसूरती करीब से देखेंगे और खूबसूरत और अच्छा लगने वाला है आपको। माइक के वजह से हमें लग रहा है थोड़ा साउंड में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। आप देख लो धीरे धीरे जितने करीब आ रहे हैं कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सच में बहुत ही खूबसूरत है और लाजवाब। हमें लगता है वहाँ लोग जाते हैं या नहीं या यहीं से फ़ोटो खिंचवाते हैं और शायद वहाँ ये आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह का है। और अब जाते हैं यहाँ से आप देख लो ये आप यहाँ से कुछ इस तरह का देखिए कुछ फॉरेनिस्ट। अब इधर से देखिए कुछ इस तरह का है व्यू और मजे ही मजे और मेरा दोस्त विकास भी आपके साथ है। और बोलिए मन तो कर नहीं रहा है कि यहाँ से जाएं। आप देखिए इधर कुछ इस तरह का है मनोज यही लेबर वाला काम करेगा खर्चा पानी मिल जाएगा यहाँ। और देखिए यहाँ ये कुछ इस तरह और वहाँ कुछ मोहतरमा लोग बैठी हुई हैं फोटो और सेल्फी। दिख रहा है आपको इधर कुछ इस तरह और फिर इधर देखिए यहाँ से तो नज़रें हटाने का ही मन नहीं करता है चाहे जो भी हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही देख लो आप देख लो बनाने वाले ने कितना सोच के बनाया होगा। ऊंचा भी बहुत ज़्यादा है इसका हाइट आप देख लो यहाँ से वहाँ आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग चल रहे हैं
दिख रहा है आपको ब्लैक कलर के पहने हुए, और ये देख लो, इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है। और आप इधर देखो, और इधर इधर एक ये यहाँ है ताजमहल के विपरीत में, पूर्व की दिशा है। और आप ये देखो, और फिर वो वहाँ पे जो फ्रंट से गेट में दिख रहा था वो गार्डन, वहाँ पे फील्ड है वो वाले, मतलब उधर से इन करोगे तो वो उधर से फ्रंट, और इधर से आप देख लो ये भी आपको नहीं लगेगा कि ये फ्रंट नहीं है, ये भी फ्रंट। अब वो साइड जा रहे हैं उधर किस तरह का व्यू है, और हमारे दोस्त लोग यहाँ थक हार के हमेशा थक जाते हैं बैठ के। देखिए ताजमहल के पीछे साइड हम लोग वहाँ थे, और वहाँ से कुछ उस तरह का इस तरह का व्यू है। उसके बाद ये देख रहे हो आप, उसके बाद आप देखो यमुना नदी आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा पानी कम है इसमें, और ये यहाँ से बहते हुई उधर से बहती हुई आती है, और यहाँ से पानी सच में कम है देख लो ना, और यहाँ से ये यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आपको अब हम ताजमहल के पूरा करीब ले जाते हैं, पूरा एकदम करीब से दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं ये, आप देख लो दिख रहा होगा आपको, और ये आप सामने से देख लो कुछ इस तरह का है। देखो ये सारा ताजमहल इधर है, और विकास बोल रहा है कि संदीप को आवाज़ दो, और ताजमहल के सामने हम आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ कैसा गूंजता है सुनते हैं। संदीप, संदीप, तो देखिए फ्रंट शायद ये इसको बोला जाता है, फ्रंट ये, और सच में हमको ऐसा लगता है कि ये फ्रंट है, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, चारों तरफ से आप नहीं कह सकते कि सेम डिजाइन से बनाया गया है चारों तरफ। आप देख सकते हैं ताजमहल का खूबसूरती के साथ साथ इतना खूबसूरती, और आप देख लो इसमें दरवाज़ा कैसा लगाया गया है ताजमहल में। अभी जहाँ थे उसके विपरीत साइड आए, और विपरीत साइड आप देख सकते हो जस्ट सेम, कोई अंतर नहीं, इसीलिए बता रहे थे कि आपको चारों तरफ से देखोगे ना, चारों ओर से, तो आपको सेम बनावट नज़र आएगा। देख लो इधर भी इस तरह का कुछ था, और आप देख सकते हो इधर भी आप सेम है बनावट चारों तरफ से, और ये उससे विपरीत है, और देख लो आप इस तरह का है इधर, और आप देख लो इधर, तो देख लो आप यमुना नदी ये है, और ये तो देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ता हुआ, और काफ़ी भीड़ हो गया क्योंकि हम लोग जब आए थे इतना नहीं था, इससे थोड़ा कम था, और हम लोग मॉर्निंग में यही वजह से आए थे ना दोस्त, तो हम लोग मॉर्निंग में इसीलिए आए हुए थे कि थोड़ा जल्दी आएंगे, तो भीड़ व्यू फ्रंट, आप फ्रंट व्यू दे सकते हैं, और कुछ इस तरह का है, मतलब चारों ओर से चारों तरफ से आप सेम हैं, सेम सेम सेम, कोई अंतर नहीं, और सेम है, सेम दिखता है,
आप देख लो मेरा फ़ोन हीट हो चुका है। तो ये फ्रंट है इस वाले गेट के हिसाब से। अगर इस गेट को आप गेट को फ्रंट मानते हो तो फिर आप इधर से ये फ्रंट हुआ आपका, और यहाँ से कुछ इस तरह का है आप देख लो, और यहाँ से ये तो देख सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, मतलब घर की ओर बोले तो अपना नेक्स्ट ट्रिप और ये प्लान की ओर और अब हम लोग निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ फोटोज और वीडियोज बहुत सारे बनाए हैं और अब निकल चुके हैं हम लोग। कुछ दोस्त लोग तो गुस्सा होके चले गए हैं और हम और संदीप सिर्फ हैं यहाँ पे, और तीन दोस्त बाहर निकल गए हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं लास्ट ऐसा कुछ है, यहाँ से दिखता है ये देख लो ऐसा। बहुत सारा फोटोज और वीडियो खिंचाने के बाद अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बहुत तेज धूप और गर्मी है और बहुत लेट हो गया काफ़ी। और आप देख ला और ये लो आप देख लो फ्रंट कुछ ऐसा है यहाँ से। अरे मेरा वीडियो मिस हो गया जी, देख लो कुछ ऐसा है। फोटो वीडियो और रील्स के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं, जहाँ से इन किए थे वहीं से अब एग्ज़िट ले रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम लोग जो माइक वहाँ जमा रखे थे और मेरा दोस्त का कुछ भी सामान था तो वो वाला सामान फिर लेंगे वहाँ। यहाँ पे एक टिकट मिलता है जो कि पॉइंट की जैसे आप देख सकते हैं, ये कॉइन मिलता है, ये वाली कॉइन, यहाँ ये वाली कॉइन को जमा करना है। हो गया तो आप देख लो फिर यहाँ से बाहर निकलने का है। हाँ यहाँ रहते हैं। देखिए अब बाहर निकल गए हैं हम लोग, और उन लोग कहाँ है वहाँ सामान ले रहे थे क्या, ले लिए उन लोग संदीप? देखिए ये यहाँ से ये कुछ देर यहाँ देखिए लोग आए हुए। वो जो जमा रखे थे वो वाला हम लोग निकल चुके हैं, और दोस्त लोग इन लोग तो पक्का गुस्सा कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से वहाँ लेट कर रहे थे। और हेलो गाइस, तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं ताजमहल का दृश्य और नज़ारा और रील्स बना के, और संदीप उदास इसीलिए हैं क्योंकि इनका शूट इतना अच्छा था, ये कुछ ऐसा ब्लॉग करते आ रहे थे और इनका क्या हुआ कि वीडियो तो प्ले नहीं करे हुए थे और इन्होंने बोलते आए, उसके बाद पता चला कि उनका वीडियो जो था वो शूट नहीं हो पाया था, इस वजह से ये आज बहुत अपसेट। और फिर वहाँ जाना वैसा सिचुएशन में बोलना बात करना, ऐसा जो हो जाता है वो हो जाता है, फिर वही आप कॉपी करना चाहोगे तो वो हो नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उदास है। डोंट वरी,
आप है ना, आप हो तो फिर आप कर लोगे, तो फिर उदास बना लीजिएगा। कहाँ पे बनाएंगे? लद्दाख है हमारा ट्रिप में अभी, बाकी लद्दाख के बाद अभी मथुरा जाने वाले हैं। अरे पहले ही कहाँ सोच रहे, इससे तो पूछ तो लो बेचारा को, भूख लग गया ये बोलो ना कि भूख लग गया। अभी अभी ये बनाने की ठीक है, मिलते हैं फिर। सच है कि मेरा जो वीडियो का कंटेंट था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा अपसेट तो है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी लेंगे क्यों नहीं, आपको लगता है खाना चाहिए। आप देख लो ये ऑटो है, बड़ा हेवी ड्राइवर अंकल, उड़ा दीजिए क्या, हेलीकॉप्टर बना दीजिए। तो अंकल जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे तो हवा में अभी ऑटो उड़ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा बोल दिए बड़ा हेवी ड्राइवर, पंख लग गए, हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम लोग उतरने और अब चलेंगे जहाँ पे हम लोग कार जो है वो पार्क किए हुए वहाँ जाएंगे और फिर कहीं कुछ खाते हैं होटल में और खाने के बाद फिर निकलेंगे मथुरा की ओर। और प्लान आज ऐसा है हम लोग का कि मथुरा आज हम लोग को निपटा देना है। बहुत तेज़ गर्मी है और इस गर्मी की वजह से हम लोग आए थे मॉर्निंग में जल्दी और अब निकल गए वहाँ घूमने के बाद, और कुछ देर और रहते पर वहाँ का गर्मी इतना तेज़ था कि बर्दाश्त से बाहर था, और इस वजह से अब हम लोग निकलेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि दोस्त लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे। गाड़ी हिट हो गया, तो अब हम लोग निकलने वाले हैं और अब यहाँ ताजमहल से निकलेंगे और फिर देखते हैं क्या प्लान है आगे का। आगरा का पेठा फेमस है और आप देख सकते हैं ये जो पगड़ी लाल गमछी है ना वो नहीं, उसके पीछे रेड टी शर्ट पहना हुआ है वो दोस्त पेठा लेने गया है, और हम यहाँ का पेठा टेस्ट करेंगे कि वाकई में अच्छा है और कि क्या है। तो लेके आ गए हैं पेठा और एक बोतल पानी, इसका टेस्ट लेते हैं, चलिए आइए। सकते हैं इसे पीठा कहते हैं, हाँ तो गाइस पेठा इसे पेठा कहते हैं, और आपके शहर में इसे क्या कहते हैं देख लीजिए। मेरे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में इसे, झारखंड में इसे मुरब्बा बोलते हैं। और सब देखिए मनोज तो 5 मिनट और ब्लॉगिंग कर टेस्ट कर चुके हैं, और देखिए संदीप जी बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट चाय टेस्ट बहुत अच्छा है और भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, और एक तो ऐसे ही अपसेट था क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। पेठा का टेस्ट अच्छा है, आप सब भी आइए आगरा ताजमहल में और पेठा का लुत्फ उठाइए। तो पीठा खाने दीजिए, नहीं तो ये दोस्त क्या बोल रहा है कि तुम 5 मिनट और ब्लॉगिंग करो ना, हम लोग ज़्यादा खाएंगे।